मैंने डॉक्टर कफिल का इंटरव्यू किया था हेल्थ व्यवस्था को लेकर। वसीम जरा कफिल साहब के जो जो कल ओपिनियन थे उसमें से थोड़ा रेलेवेंट पोर्शन दिखाएं। और कितने वेव? वेव जो है कोई निश्चित नहीं है, तीसरी भी आएगी, चौथी भी आएगी, पांचवी भी आएगी, दसवीं भी आएगी, और इसी तरह से म्यूटेशन भी बहुत होगा। आपको बता दूं, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो हम लोग लेते हैं हर साल, इन्फ्लुएंजा वायरस एक टाइम था जब हजारों लोगों को मार देता था, यूरोप में तो लाखों लोग मरते थे, लेकिन उसकी वैक्सीन आ गई, लेकिन अभी भी हम लोगों को हर साल लगवानी पड़ती है क्योंकि इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है हर साल जो है अपना रूप बदल देता है। तो कोरोना वायरस को अब हम अपने जिंदगी का हिस्सा मान लेना चाहिए। और ये जो मीडिया का सेंसेशन होता है कि दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव आने वाली है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से म्यूटेशन, यूके म्यूटेशन हो गया, ब्राजीलियन म्यूटेशन हो गया, साउथ अफ्रीकन म्यूटेशन, बंगाल म्यूटेशन, डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, ये म्यूटेशन आते ही जाएंगे। आप जैसे अपने आप को बचाने के लिए मास्क पहन रहे हो, हाथ धुल रहे हो और वैक्सीन लगा रहे हो, दवा की खोज कर रहे हो, उसी तरह से वायरस के लिए मानव जाति का शरीर जो है लेबोरेटरी है, एक लैब है, वो जब आपके शरीर को इन्फेक्ट करता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो भी नए नए तरीका हथियार बनाता है। इसी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुरूपिया भी बोला हुआ है। तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, वेव आती रहेगी और जो है कोरोना वायरस हमारे जीवन का अब अभिन्न अंग हो गया है, हमें साथ ही जीना है अब इससे। इसके बाद जरा सा खट्टर साहब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी दिखाएं। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेश में आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं, आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000-60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा, काम की बात, लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। कोविड, कोरोना देश में एक खास तरह की त्रासदी है। इसमें कई लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, लाशें नदियों में फेंकी जा रही हैं, एक अजीब तरह की अफरा तफरी है। कुछ लोग दवाई की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, गैस सिलेंडर, टीका को लेकर एक खास तरह का हंगामा है, और तमाम ये सब सारी घटनाएं साथ साथ चल रही। इसी कौतूहल हलचल के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में टीकाकरण को लेकर, कोरोना के टीकाकरण को लेकर आज एक सुनवाई हुई, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर संजय चड्ढा साहब। तो खास मुलाकात में आज संजय चड्ढा साहब से आपकी ये मुलाकात है, और क्या क्या घटनाक्रम हुआ, लीगल एक्सपर्ट हैं, लगातार टेलीविजन पे आप इनको देखते होंगे, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, लीगल अवेयरनेस के लिए यूट्यूब चैनल चलाते हैं। मैंने इनसे आग्रह किया है कि समय समय पर आप अंबेडकर नामा पे आए और सरल सिंपल भाषा में वो लोगों को समझाएं, लीगल अवेयरनेस करें। स्वागत है चड्ढा साहब आपका अंबेडकर नामा में। थैंक यू रतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, मेरी बहुत बहुत आपके साथ शुभकामनाएं हैं सबसे पहले। और जो आपका प्रश्न है उसका जवाब देता हूं, सीधे काम की बात पे आता हूं, जैसा आप करते आए हैं अभी तक उसी को फॉलो करते हुए। आज जो एक कोई सुनवाई जो है, ये सुनवाई एक स्पेशल सुनवाई इसलिए मैं कहूंगा कि 3 जजेस की जो बेंच है, जस्टिस चंद्रचूड, जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस रविंदर भट्ट, इन तीनों ने, ये सुओ मोटो एक सुनवाई चल रही है कोविड के ऊपर, कोविड कोरोना के उस पे सुओ, स्वतः संज्ञान लेते हुए, जैसा भाषा में कहा जाता है ना, साधारण भाषा में, स्वतः अपने आप, किसी ने कोई पिटीशन नहीं डाली है। 30 अप्रैल को भी ये सुनवाई हुई थी और बड़ी सख्ती से उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को लिया था कि क्यों ये तमाम जो गड़बड़ हुई पिछले दौर में, हम सब जानते हैं उसको क्यों ना आप लोगों ने कैसे उसमें हैंडल किया है।
अभी जो आज के जिस परिपेक्ष में आज सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन के विषय में जब बात हुई, तो केंद्र सरकार को खास तौर से जो कोर्ट है उसने कहा कि वैक्सीनेशन का आपका प्लान क्या है, ये बताइए, पॉलिसी क्या है, क्या राज्य सरकारें जो हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, जैसे बीएमसी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली में एमसीडी है, क्या ये स्वतः जाके अपने आप में कंपटीशन करें और जाके खरीद के लाएं, कोई खरीदने जाएं किससे, और कौन ज्यादा पैसे दे के ले सकता है? कई म्युनिसिपैलिटीज जो हैं वो अमीर हैं, रिच हैं, जैसे मुंबई की बीएमसी बहुत रिच है, वो कुछ महंगी खरीद सकती है, क्या ये आपकी पॉलिसी है? पहला सवाल। फिर क्यों नहीं आपने, ये लोग जो मतलब उन्होंने यहां तक कहा कि दिल्ली हरियाणा पंजाब बीएमसी यानी कि मुंबई कॉरपोरेशन, इन्होंने ग्लोबल टेंडर में पार्टिसिपेशन करने का काम किया है और कर रहे हैं, क्या ये आपकी पॉलिसी के तहत है? हमें नहीं मालूम ना, तो इस पे एक तो प्रश्न उठा। फिर क्या ये कर सकते हैं ग्लोबल टेंडर में जाके, ज्यादा पैसे दे के, कम पैसे दे के, कैसे लेना है, क्या करना है, कोई इस पे कोई नीति है कि नहीं है? नेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन वैक्सीनेशन, जो राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, क्या वो आपने बनाई है वैक्सीनेशन की? कब कितनी वैक्सीनेशन होंगी, क्या इस पे कोई नीति है या नहीं है? और ये हमारा जानने का अधिकार है। दूसरी चीज, वैक्सीनेशन की लॉजिस्टिक्स क्या होंगी, कैसे आप जाके वैक्सीनेशन, इतना बड़ा हमारा जन संप्रदाय है, इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, उसके लिए क्या आप कर रहे हैं 18 प्लस के लिए? ये सब सवाल उठे आज, 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन है नहीं, आपने अनाउंस कर दिया, दिल्ली जैसे प्रांतों ने बंद कर दिया, मुंबई में बंद है इस वक्त, और आपने देखा कोर्ट ने ये मेंशन, ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं ये मेरी नहीं है, सब कोर्ट की है, रतन जी आप इस पे ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने कहा कि जब दूसरी वेव आई, आप लोग कहते थे 45 से ज्यादा वाले जो लोग हैं उम्र में, उनको क्षति होगी, उनको ज्यादा वैक्सीनेशन करना है, लेकिन हमने ये देखा, हम इस चीज के गवाह हैं कि 18 से 30 से यानी कि 31 से 45 वालों को भी बहुत डैमेज हुआ और कई लोगों को इसमें मेजर क्षति हुई है, ये बात कही कोर्ट ने। और क्या क्या कहा मैं सब बताना चाहता हूं आपको। कोर्ट ने कहा, क्या आप नहीं जानते कि डिजिटल डिवाइड हो जाएगा? आप सारा कर रहे हैं रूरल और अर्बन में, क्या कोई डिजिटल डिवाइड नहीं हो जाएगा? क्या आप हमेशा कहते हैं कि सरकार से ये सवाल हो रहे हैं, केंद्र सरकार से, और जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं वो इन चीजों के जवाब भी दिए उन्होंने, वो भी मैं बताऊंगा। कोर्ट ने यहां तक कि एक एग्जांपल दिया कि आप कहते हैं कि जो एक डिजिटल डिवाइड के ऊपर में एग्जांपल दिया कि एक जो मजदूर है जो झारखंड का रहने वाला है वो राजस्थान में काम कर रहा है, तो क्या उसको इंजेक्शन लगाने के लिए, क्योंकि उसका आधार झारखंड का है, क्या वो झारखंड जाके लगवाएगा, या इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, कोई इसमें नीति निर्धारित है अथवा नहीं है, ये बात उठाई। कोर्ट ने कहा कि क्या होगा माइग्रेंट एग्रीकल्चर लेबर का? रतन जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी संख्या है, 50 करोड़ के करीब हमारी संख्या है जो कि माइग्रेंट हैं, जो कि काम किया वापस चले गए, बहुत बड़ी संख्या है, और अनऑर्गेनाइज्ड हैं, माइग्रेंट तो नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है वो लोग, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर एक बहुत बड़ी संख्या है, उनका क्या होगा कुछ नहीं बताया। फिर माइग्रेंट लेबर जैसा मैंने, फिर एक और बहुत अहम मुद्दा सामने लाया, कोर्ट ने कहा, जब बात चल रही थी तो तुषार मेहता जी ने ये कहा कि आप, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, आप दखलंदाजी नहीं कर सकते, या मतलब इस तर्ज पे नहीं था कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉल है और सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहां तक जाके कहा, जजेस ने, कि हमें मालूम है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, हम आपकी पॉलिसी को देखना चाहते हैं, हम उसमें तरमीम भी नहीं कर रहे हैं, आप हमें बताइए तो सही क्या चीज है उसमें तरमीम का, मतलब उसमें हम कोई चेंजेस भी नहीं करना चाह रहे हैं, आप हमें ये तो बता दीजिए क्या पॉलिसी है। साथ में बड़ी सख्ती के साथ ये भी कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कि कृपया करके ग्राउंड रियलिटीज को जानिए, ग्राउंड रियलिटीज जो हैं एक्चुअल उनको देखिए और उसके बाद अपनी पॉलिसी का निर्धारण करिए। आपके पास पॉलिसी नहीं है। दो मूल्य पॉलिसी की बात की कि राज्य जब खरीदेगा तब इतने रुपए का वैक्सीन है, जब केंद्र खरीदेगा तो इतना रुपए का वैक्सीन है, जब प्राइवेट कोई प्लेयर खरीदेगा तो इतनी मूल्य होगा। क्या ये उचित है? क्या ये होना चाहिए? ये सवाल उठा। गंभीर सवाल है। मैं आपको बताऊं कि ऐसे सवाल जब उठाए तो ये इसमें मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार ने समय लिया और सरकार को पुनः एक बार सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप हमें, हमारे समक्ष नीति लाइए, क्या आपकी नीति है, और 2 सप्ताह का समय दिया गया है केंद्र सरकार को, लिया है उन्होंने कि हम आपको बताएंगे कि हमारी नीति क्या है। और एक और लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जजेस ने यह भी कहा रतन जी कि क्या ये सीरियस नहीं है सिचुएशन, आज अगर तीसरी वेव आ जाती है व्हाट विल हैपन, आर वी रेडी। और वैक्सीन एक अमृत है, ये मैं अपनी ओर से ऐड कर रहा हूं कि वैक्सीन एक अमृत है, आज उसको बहुत बहुत बड़े स्तर से, युद्ध स्तर पे कहने में गलती नहीं होगी, आपको लगाने की आवश्यकता है। तो इन तमाम बातों पे बात हुई और ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में सरकार, केंद्र सरकार एक पॉलिसी का निर्धारण करेगी जो हम लोगों के समक्ष आएगी और आई थिंक कुछ चीजें सुधरेंगी, यही कह सकता हूँ। पिछली बार हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने बड़ा ही जो है एक ऑर्डर में कहा था कि राम भरोसे जो है वो क्या है, स्वास्थ्य सेवा है उत्तर प्रदेश का। मद्रास हाई कोर्ट ने भी बहुत सीरियसली लिया है। हाँ रतन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि जब आपके समक्ष इलेक्शंस करवाने इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ तक कि इस पर्टिकुलर समय में अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो जो ये काम हुआ है इतना कटु था, मैं बताऊं आपको कि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा क्यों नहीं जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर मर्डर के चार्ज लगा दिए जाए, जब इतना बड़ा नुकसान हुआ। आप खुद समझिए, मैं उन चीजों को पुनः व्यक्त नहीं करना चाह रहा हूं, दुख की वो घड़ी कौन सा, आपसे मैं एक बात स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं रतन जी, थोड़ी बुरी लगेगी कई लोगों को, आप मुझे एक परिवार दिखा दीजिए जिसने कुछ नहीं खोया हो। और हम लोग कहते हैं कि कुल 4,000 लोग रोज मरते हैं, डाटा भी ठीक नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूं। उसमें हर परिवार ने कुछ ना कुछ खोया है, कोई रिलेटिव खोया है, अगर अपना कोर व्यक्ति नहीं गया तो हमारा रिलेटिव गया है। चाहे मैं आपसे पूछूं, आप बताएंगे, मैं अपना बताऊं, कितने मित्र हमने खो दिए, हमारे हॉस्टल के कितने सारे साथी, जी हमारे हॉस्टल के साथी चले गए, हमारे लीगल फर्टर्निटी के इतने लॉयर्स का असमय निधन हुआ है, युवा वर्ग से 50 साल 45 साल के युवा हमारे गए हैं। उसमें दिलचस्प ये है कि इतना जो कोरोना वॉरियर्स हैं फ्रंट पे, जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, और इधर कुछ बाबा लोग सीरियस एलिगेशन भी लगा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गोबर का लेप लगाओ, कुछ लोग कह रहे हैं गोमूत्र पियो, कुछ लोग कह रहे हैं रामचरित का पाठ करो। मतलब देश में कोई लग रहा है कि कोई पॉलिसी एजेंडा सेटिंग नहीं है, पॉलिसी नहीं है कि एक नेशनल पॉलिसी है कि जिसपे हम काम कर सके, तो बड़ा सीरियस मैटर है। देखिए बहुत सीरियस है, और जो अभी आपने बताई जितनी भी बातें कही कि मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, वो हास्यास्पद हैं, हंसी आती है ऐसी बातों पे कि इतनी नाजुक घड़ी में, इतने जब सब लोग दुखी हैं, व्यथा में हैं हम लोग, तब इस तरह की ऊटपटांग बातें हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है कि क्या पॉलिसी है वैक्सीनेशन की। ये जो हम आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगा जो मेरे को बहुत चुभती है आज के इसका, इस वैक्सीनेशन के जो केस था उससे इसका लेना नहीं है, लेकिन लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बताऊं, आपको मालूम है कितने राज्यों में लाखों डोजेस वैक्सीनेशन के खराब हुए हैं? ये क्या नियंत्रण है, लाखों डोजेस एक और आपके पास है नहीं, और 15 15
15-15% उत्तर प्रदेश उनमें से सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पे वेस्ट हुआ है। और वहीं पे केरल ने एक मिसाल कायम करी है कि जब एक उसके अंदर 5 होते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ किया कि 6-6 लोगों को वैक्सीनेशन किया। तो दैट इज हाउ वी हैव टू डू। और सबको ये बात, तो आप इस बात से राजी होंगे, अगर हम प्रदेश का और ये राजनीतिक विचारों को लेके चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस पे हम विजय हासिल कर पाएंगे। हम सबको बहुत यूनाइट होके इससे फाइट करना है। तीसरा जो वेव है वो आ जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक प्रेडिक्शन अभी IIT का आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो तीसरी वेव आएगी दिल्ली में 45,000 केसेस रोज होंगे और 9,000 से ज्यादा लोगों को, ये कल की बात है, 29 तारीख को ये दायर किया गया है, बताया गया है, 9,000 से ज्यादा बेड्स की आवश्यकता होगी प्रतिदिन। 3 दिन में दिल्ली के बेड्स खत्म हो जाएंगे या फिर से वही सड़कों पे मरना शुरू होगा। अभी समय है, मैं आपके माध्यम से, आपका माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाखों लोग इसको देखते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारों को जागना होगा और कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि ये जो भयावह स्थिति हुई है ये दोबारा रिपीट ना हो, इससे नुकसान ना हो। नहीं, कल का डॉक्टर कैफिल से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि 3-4-5 वेव्स आते रहेंगे, इसके लिए हमें तैयारी करनी है। मतलब एकदम मोर्चे पे जैसे तैयारी होती है कोरोना से लड़ने के लिए, तैयारी करनी होगी, हेल्थ सिस्टम बेहतर करना होगा। मैं आपकी बात से जो समझ पाया हूँ कि सीरियस मैटर इतना है कि कोर्ट ने, 3 जजेस के बेंच ने इसको स्वतः संज्ञान लिया है और एक तरीके से मान लिया जाए कि सरकार की क्लास लगी है कोर्ट में। बिल्कुल सही बात है, मैं आपके साथ 100% राजी हूँ कि सरकार की क्लास लगी है। और दो हफ्ते का समय लिया, लेकिन देखिए पॉजिटिव रहना है हमको रतन जी, और कई क्षेत्रों में हम बार बार ये बात कहते आए हैं, आप तो एक अध्यापक हैं और आप नई नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, तो हमको पॉजिटिव भी रहना है। और ऐसा समझता हूं कि शायद ये जो क्लास आपके शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने ली है, इसका प्रभाव पड़ेगा और हम सबको एक नया रिजल्ट मिलेगा और जो आँच आने वाली है उसकी गर्मी से, उसकी तपिश से हम लोग बचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। शुक्रिया संजय साहब। तो ये थे संजय चड्ढा साहब, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि 2 हफ्ते बाद जो इस पे अपडेट होगा, आप अंबेडकर नामा के साथियों को आप अपडेट फिर सुनाएंगे। हम सब बिल्कुल 100% मैं आपके साथ हूँ, और क्यों नहीं, और आप इतना बड़ा माध्यम लेके अग्रसित हुए, हम आपके साथ हैं हमेशा। शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि सरकारी प्रयास भी होंगे, हम सब भी प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने चैनल के थ्रू अवेयरनेस चला रहे हैं कि कैसे हमें सेफ रहना है। तो उम्मीद है कि स्थितियां बेहतर होंगी। तब तक कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो कोरोना को लेकर जो अपडेट है, जो लीगल फ्रंट पे भी चल रहा है, डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, जजेस भी काम कर रहे हैं, तो कम से कम लोगों को अपडेट रहे, जानकारी मिले। शुक्रिया संजय साहब, आपसे फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। शुक्रिया, थैंक यू।